जिले के एक भाजपा के पूर्व विधायक व वर्तमान में भाजपा के नेता के बेटे ने देर रात दुकानदार पर राइफल तान दी। चाट की दुकान पर कास होने के बाद हुई घटना से अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसी बीच दुकानदार के समर्थन में आई भीड़ ने विधायक के बेटे को पकड़कर राइफल समेत कोतवाली पहुंचा दिया। नशे व सत्ता की हनक में चूर कोतवाली के अंदर यहां उसने पुलिस वालों से उलझते हुए घंटों हंगामा काटा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सदर कोतवाली के काजी टोला मोहल्ले में बीएसएनएल बिल्डिंग के पास एक चाट की दुकान है। बुधवार देर रात करीब 9:30 बजे यहां पर सदर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक पूर्व विधायक का बेटा पहुंचा। वह चाट खरीदने लगा। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसका विवाद हो गया। विधायक पुत्र ने अपनी राइफल दुकानदार के सीने पर तान दी। इससे मौके पर खड़े लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई तो सभी टूट पड़े। दुकानदार के समर्थन में आए लोगों ने विधायक के बेटे को पकड़कर राइफल छीन ली। इसके बाद यूपी 100 नंबर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम उसे कोतवाली लेकर पहुंची, जहां उसने पुलिस वालों से उलझते हुए घंटों हंगामा काटा। सीओ सदर लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि विधायक के बेटे के राइफल तानने का मामला का पता चला है। फिर दुकानदार तहरीर देगा तो रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। ये आप लोग विश्वास दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमें सफा। लाला श्याम लाल इंटर कॉलेज के सामने विवेक एक टिक्की की दुकान लगाता है और वहाँ अजीत नामक व्यक्ति गया, वहाँ टिक्की वगैरह भी खाया और उसके बाद जो है वहाँ विवाद कर लिया, जो टिक्की विक्रेता विवेक जोशी और दीपक जोशी से, और राइफल लिया था और राइफल तान भी दिया था। उसके चैम्बर में राउंड भी थे। हमारे एसआई साहब पहुँच के उसको तुरंत जो है कब्जे में लिया और उस राउंड को निकाला और अपने कब्जे में ले लिया गया है और तहरीर भी ले ली गई है और अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। अजीत नाम है आरोपी का, नाम अजीत है। हाँ, सुनने में आ रहा है कि पूर्व विधायक के लड़के हैं।